चलिए बात करते हैं निर्भया कांड से। जो इस विभत्स घटना के बारे में नहीं जानता है और जानते हैं उनको बता देता हूँ। निर्भया सिंह, हर रियल नेम वॉज ज्योति सिंह, ऑन द डार्क एंड कोल्ड नाइट ऑफ 16th December 2012 सी वॉज ब्रूटली असॉल्टेड एंड रेप्ड इन अ मूविंग बस इन साउथ दिल्ली। नाउ आई वॉन्ट टू आस्क वन थिंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इसको एक हाइपोथेसिस मानिए, अगर निर्भया जिंदा होती तो क्या उन गुनहगारों को फांसी होती? और इसका उत्तर है ना। उनका काम विभत्स होने के बाद भी एट दैट टाइम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांटेड देम प्रोटेक्शन थ्रू एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ अंडर आर्टिकल 20 क्लॉज 1। सो इसका मतलब ये है कि जो रेप लॉज उस समय एप्लीकेबल थे वो रेप लॉ उसके हिसाब से जो मैक्सिमम पनिशमेंट था दैट वॉज नॉट डेथ। इवन फॉर गैंग रेप्स डेथ पनिशमेंट वॉज नॉट प्रिस्क्राइब्ड। और क्योंकि डेथ पनिशमेंट प्रिस्क्राइब नहीं था तो उन गुनहगारों को अगर भगवान या थोड़ा सा भगवान का मर्जी रहता और भी अच्छा सा ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराया जाता और अगर निर्भया बच जाती तो उस केस में दोज रेपिस्ट्स एंड मर्डर लेटर ऑन दे बिकेम मर्डर ऑल्सो आफ्टर सी डाइड। तो मरने के बाद, क्योंकि डेथ होने के बाद उन पे चार्जेस कुछ और लग गए। अगर सिर्फ रेप हुआ होता या गैंग रेप हुआ होता तो उनको डेथ पेनल्टी नहीं मिलती। द रीज़न वॉज बिकॉज एट दैट टाइम देर वॉज नो प्रोविजन फॉर ऑफ डेथ पेनल्टी फॉर रेप और गैंग रेप, सो देर वॉज नो चांसेज ऑफ देम गेटिंग डेथ पनिशमेंट। चलिए आज उसी के बारे में बात करते हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आर्टिकल 20 क्लॉज 1। आर्टिकल 20 क्लॉज 1 के बारे में बात करेंगे। हेलो ऑल, आई एम दीपक प्रकाश एंड वेलकम टू लेक्चर 19 ऑफ वाद प्रतिवाद एंड संवाद सीरीज। दिस इज पार्ट 1 ऑफ आर्टिकल 20 सीरीज। सो इफ यू रिमेंबर करेक्टली इन लेक्चर 18 आई कवर्ड टॉपिक्स लाइक आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी। देन आई ऑल्सो सॉ हाउ आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी इज एसोसिएटेड विथ इन्वायरमेंटल कंसर्न्स। देन डॉक्ट्रीन ऑफ रेस एक्स्ट्रा कॉमर्सियम, खोदे डिस्टिलरीज केस, ऑल इंडिया जामियातुल खुरैस केस एंड मेनी मोर। टुडे आई एम गोइंग टू कवर आर्टिकल 20 क्लॉज 1 एग्जॉस्टिवली। टॉपिक्स जो कि आज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं कवर करूंगा, फर्स्ट थिंग इज बेसिक्स। सो पहले ये समझना है हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉज दैट कैन बी इनैक्टेड बाई पार्लियामेंट, दैट कैन बी मेड बाई पार्लियामेंट, कितने टाइप के लॉ बना सकते हैं। सो बेसिक अबाउट लॉ, देन आर्टिकल 20 क्लॉज 1 एंड इम्पॉर्टेंट केस लॉज एसोसिएटेड विथ आर्टिकल 20 क्लॉज 1 सच एज केदारनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। उसका स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग, एक बार सुन लोगे याद हो जाएगा। मारू राम वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, रतन लाल वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब। सो लेट अस स्टार्ट विद बेसिक्स। सबसे पहले बेसिक्स पढ़ते हैं। रोज हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कुछ आप लोगों में जो हैं दे रीड अबाउट, दे रीड द इंडियन एक्सप्रेस, सम ऑफ देम जस्ट फॉलो से सम ऑफ द न्यूज़ मैगजीन्स और वेबसाइट्स और समथिंग लाइक दैट। सो एवरी डे यू वुड कम अक्रॉस मल्टीपल न्यूज़ आइटम्स वेयर समवन इज बीइंग अक्यूज्ड ऑफ सम ऑफेंस। कोई ना कोई रोज न्यूज़ आप पढ़ेंगे और उसमें आप देखेंगे कि कोई ना कोई कुछ ना कुछ उनको ऑफेंस के लिए एक्यूज किया जाता है। तो नाउ अ बेसिक क्वेश्चन दैट कम्स टू आवर माइंड कि समबडी हु इज बीइंग एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस, डू दे गेट एनी प्रोटेक्शन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, डू दे हैव एनी राइट्स? द मोमेंट यू आर चार्ज्ड, द मोमेंट यू आर बीइंग एक्यूज्ड ऑफ सम ऑफेंस, द मोमेंट यू आर फेसिंग ट्रायल, डू यू हैव एनी राइट्स? तो ये मामला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी पहुंचा और वहां ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरपर्सन थे बी आर अंबेडकर और जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर हमारे थे बी एन राव, उन लोगों ने वहां कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये डिस्कस किया कि ऑलमोस्ट ऑल द डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैव प्रोवाइडेड सम शॉर्ट ऑफ राइट्स इवन टू अक्यूज्ड वंस। सो
it is important that we also provide certain rights to them. And ultimately at the insistence of drafting committee, it was decided to incorporate Article 20 inside the fundamental right. Fundamental rights ke andar hi Article 20 ko dala gaya, so that even those who are being accused of certain offense can get some fundamental rights. To abhi basics isme bhi ek aur cheez bata deta hu. पार्लियामेंट कैन मेक लॉज और उन लॉ का इफेक्ट जो होगा दैट कैन बी डन थ्रू टू वेज. सम लॉ वुड हैव रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, सम लॉज वुड हैव प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट. नाउ व्हाट डज इट मीन टू हैव रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, व्हाट डज इट मीन टू हैव प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट. तो पहले यह समझना है, टर्म को समझिए. व्हाट इज रेट्रोस्पेक्टिव लॉ ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव नेचर एंड व्हाट इज law of prospective nature. So retrospective are those laws that remain valid even from past date. Main ek example deta hu. Let us suppose government make a law today. Aaj 2023 hai aur government ne ek law banaya, but at the same time a clause was added inside that law that this law would have retrospective effect from 2018. 2018 से it would have validity. 2018 से. So 2018 से 23 के बीच में भी कोई अगर पर्टिकुलर एनी क्राइम जो या कुछ वैसा कमिट किया गया होगा जो उस पर्टिकुलर लॉ के अंदर फॉल हो रहा होगा, तो दोज वुड बी ऑटोमेटिकली कवर्ड अंडर दैट लॉ. दैट इज वन थिंग. सेकेंड इज प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट्स आर लॉज ऑफ प्रोस्पेक्टिव नेचर आर दोज लॉज दैट रिमेन वैलिड फ्रॉम द डेट ऑफ इनैक्टमेंट. आज लॉ बना तो आज के आगे उसका इम्पैक्ट होगा. पीछे मान लो कि वहां पर वो लॉ एग्जिस्ट नहीं करता है. मान लो मैंने एक क्राइम किया और वो क्राइम उस समय वो क्राइम लॉ के नेचर में नहीं था. लॉ कोई वैसा लॉ नहीं था. मान लो कि दैट इज अ ब्लैक होल, देर इज अ ग्रे एरिया. दैट ऑफेंस जो मैंने क्राइम किया उसको वहां पे डिफाइन नहीं किया गया था. सो नाउ गवर्नमेंट वुड थिंक कि दीपक प्रकाश जैसे कुछ और भी लोग होंगे जो ऐसा क्राइम बाद में कमिट करेंगे. सो दे डिसाइडेड टू मेक अ लॉ. सो दैट लॉ वुड हैव वैलिडिटी फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनैक्टमेंट. अब दीपक प्रकाश को कुछ नहीं होगा. तो ये है लॉ विथ प्रोस्पेक्टिव नेचर. कमिंग टू आर्टिकल 20 क्लॉज 1. अभी आर्टिकल 20 क्लॉज 1 को अब समझते हैं. क्यों मैंने प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव के बारे में बताया ये अब यहां आपको समझना है. ढंग से समझिएगा. आर्टिकल 20 क्लॉज 1 इट प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम इनैक्टिंग एक्स पोस्ट फैक्टो क्रिमिनल लेजिस्लेशन. ढंग से एक एक वर्ड को समझना है. इट प्रोहिबिट्स the state from enacting an ex post facto criminal legislation. It implies that a state cannot provide a retrospective effect to a criminal legislation. एक criminal legislation में कुछ punishment है और वो punishment को a state जो है वो prospective effect ही दे सकता है. ये नहीं बोल सकता है कि someone has committed a crime today. और भारत सरकार 2025 में लॉ लाया और बोला कि 2023 से वो वैलिड होगा और जो जो वो क्राइम कमिट किए हैं 2023 में 24 में उन सब को भी जेल में डालो. दैट कैन नॉट बी डन. वो नहीं किया जा सकता है. सच लॉ विल ऑलवेज हैव प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट. ये आर्टिकल 20 क्लॉज 1 कहता है. अगर आज किसी ने ऑफेंस किया है तो उनको सजा आज के कानून के हिसाब से मिलेगी. आगे फ्यूचर में जो सजा देने का प्रावधान होने वाला है उसके हिसाब से नहीं, जो आज के कानून में जो सजा का प्रावधान है उसके हिसाब से सजा मिलेगी. ऑल क्रिमिनल लेजिस्लेशन कैन बी गिवन ओनली प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट. ढंग से समझ लीजिए ये टर्म मैं क्या बोल रहा हूं. ऑल क्रिमिनल लेजिस्लेशन शैल बी गिवन ओनली प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, व्हाइल सिविल लेजिस्लेशन कैन बी गिवन बोथ रेट्रोस्पेक्टिव एज वेल एज प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट. ये ढंग से समझना है कि सिविल लेजिस्लेशन को प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी दिया जा सकता है और रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी दिया जा सकता है. द ऑब्जेक्टिव ऑफ आर्टिकल 20 क्लॉज 1 इज टू प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम विक्टिमाइजिंग इंडिविजुअल ऑफ एनी ऑफेंस. एक और बेसिक्स बात समझ लीजिए. फंडामेंटल राइट
अंडर आर्टिकल 20 इज अवेलेबल टू ऑल इंडिविजुअल. जो फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 20 है वो अवेलेबल टू ऑल इंडिविजुअल सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन. दैट मीन्स इवन अ फॉरेनर हु इज कमिटिंग अ क्राइम इन दिस कंट्री, एक इस कंट्री में कोई फॉरेनर क्राइम किया है और उस क्राइम के अंदर जो सजा उस दिन है वही सजा ही वुड गेट. गवर्नमेंट कैन नॉट ब्रिंग एक्स पोस्ट फैक्टो क्रिमिनल लेजिस्लेशन. एक्स पोस्ट इट प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम इनएक्टिंग एनी एक्स पोस्ट फैक्टो क्रिमिनल लेजिस्लेशन. अंडर आर्टिकल 20 क्लाउज 1 नो पर्सन शैल बी पनिश्ड फॉर द कमीशन ऑफ एन एक्ट अनलेस दैट एक्ट इज डिस्क्राइब्ड एज एन ऑफेंस अंडर लॉ एट द टाइम ऑफ इट्स कमीशन. मान लो कि आपने कोई कुछ किया और वो ऑफेंस, उसको ऑफेंस भारत के लॉ ने उस समय तक मानता ही नहीं था, देन यू कैन नॉट बी चार्ज्ड एज गिल्टी, यू कैन नॉट बी अक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग एनी क्राइम. आपको अक्यूज कोई क्राइम करने का फिर नहीं किया जा सकता है. एन एक्ट दैट वॉज नॉट अ क्रिमिनल ऑफेंस एट द टाइम ऑफ इट्स कमीशन कैन नॉट बी सब्सिक्वेंटली मेड अ क्रिमिनल ऑफेंस एंड द पर्सन इज पनिश्ड फॉर दैट. आर्टिकल 20 क्लाउज 1 इट लेज डाउन द प्रिंसिपल दैट अ न्यू लॉ कैन नॉट पनिश एन ओल्ड एक्ट. 2017 में किसी ने कानून तोड़ा है और अगर उस समय कोई पनिशमेंट नहीं था और 2019 में उसी क्राइम के लिए कोई पनिशमेंट आया है तो 2017 में जो एक्ट कमिट किया गया है वो 2019 के लॉ के हिसाब से पनिशमेंट नहीं मिलेगा. इट लेज डाउन अ प्रिंसिपल दैट अ न्यू लॉ कैन नॉट पनिश एन ओल्ड एक्ट. फर्दर अंडर आर्टिकल 20 क्लाउज 1 नो मैन वुमेन शैल बी गिवेन ग्रेटर पनिशमेंट दैन वॉट इज प्रिस्क्राइब्ड इन द लॉ एट द टाइम ऑफ इट्स कमीशन. अभी अब इसमें लैंडमार्क केस समझते हैं जो दैट गवर्न दिस डॉक्ट्रीन. इट केम इन द ईयर 1953. बहुत इंपॉर्टेंट केस है, केदारनाथ वर्सेज द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल. हुआ क्या था पहले ये समझिए. केदारनाथ वॉज एक्यूज ऑफ सम ऑफेंस वे बैक इन 1947 में केदारनाथ को किसी ऑफेंस के लिए एक्यूज किया गया और उसमें जो पनिशमेंट था वो कम था. स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल को लगा कि इसमें तो पनिशमेंट कम है. सो इन 1949 स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल ब्राउट एन अमेंडमेंट इन टू इट एंड प्रोवाइडेड मेड पनिशमेंट अस्ट्रिंजेंट. अब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा. सुप्रीम कोर्ट स्टक इट डाउन सेइंग सिंस द ऑफेंस वॉज कमिटेड इन 1947 सो पनिशमेंट कैन बी गिवेन अकॉर्डिंग टू द लॉ प्रिवेलिंग इन 1947 नॉट अकॉर्डिंग टू 1949 न्यू अमेंडमेंट. क्रिमिनल लेजिस्लेशन कैन नॉट हैव रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट. क्रिमिनल लेजिस्लेशन का हमेशा प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ही होगा. हाउएवर एक और बात समझ लीजिए. Only the procedure of sentencing and convicting is what is prohibited. Only the procedure of sentencing and convicting is what is prohibited under this clause and not the trial itself. That means fast track court. Fast track court can be established and an accused cannot say ki mera trial fast kyun ho raha hai. He cannot say. Only procedure of sentencing and convicting is what is prohibited, not the trial itself. So fast track court can be established. मान लो countries में ज़्यादा murder हो रहे हैं, so government can establish a fast track court so that जो murder convicts हैं, जो murder accused हैं, उनका conviction fast हो, उनका trial जल्दी हो ताकि conviction जल्दी से हो. So that can be done. So trial पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. फास्ट ट्रैक कोर्ट कैन बी एस्टेब्लिश्ड. दस अ पर्सन अकॉर्डिंग टू अ पर्टिकुलर प्रोसीजर कैन नॉट बी क्वेश्चन अंडर दिस क्लाउज एंड डॉक्ट्रीन ऑफ एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ कैन नॉट बी अप्लाइड वहां पे. दिस वॉज रिट्रेटेड इन मोहनलाल केस. अभी एक और इंपॉर्टेंट इसमें केस है मारूराम. मारूराम केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, ये 1980 का केस है. सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट आर्टिकल 20 क्लाउज 1 आल्सो इंक्लूड्स द सेम रूल फॉर पेनल्टीज. पेनल्टीज के लिए भी सेम रूल अप्लाई होता है. दैट मींस कि वॉट एवर ऑफेंस यू आर कमिटिंग टुडे सो पेनल्टीज शुड बी इन्फ्लिक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड लॉ एंड अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब्ड पेनल्टीज
टुडे। आज जो प्रिस्क्राइब पेनल्टी है उसके हिसाब से ही आपके ऊपर पेनल्टीज लगेंगे। देयर विल नॉट बी एनी इन्फ्लिक्शन ऑफ पेनल्टीज रेट्रोस्पेक्टिवली। रेट्रोस्पेक्टिवली आपको कोई पेनल्टी नहीं दिया जाएगा, जो उस समय पेनल्टी था वही बस आपको मिलेगा। एक्सेप्शन टू दिस रेस्ट्रिक्शन, लेकिन एक इस रेस्ट्रिक्शन से एक्सेप्शन है और वही सुप्रीम कोर्ट ने भी डिफाइन किया है। अब ये समझिए क्या एक्सेप्शन है। अगेन इट इज फॉर आवर बेटरमेंट, हमारे ही लिए ये एक्सेप्शन किया गया है। रतन लाल केस इज अ लैंडमार्क केस, उसको अच्छे से समझिए। रतन लाल केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि मान लो कोई एक लॉ है, उस लॉ में 10 साल का पनिशमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम या स्टेट गवर्नमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिकॉग्नाइज दैट कि 10 ईयर पनिशमेंट इज स्ट्रिंजेंट, तो उसको 7 साल कर दिया जाए, सो दैट कैन हैव रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। मतलब ये है कि रेट्रोस्पेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्रिमिनल लॉज आर अलाउड इफ द इशू ऑफ कंसर्न इज रिडक्शन ऑफ पनिशमेंट इन द सेड ऑफेंस। अगर पनिशमेंट का रिडक्शन करना है उस सेम ऑफेंस में, देन रेट्रोस्पेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्रिमिनल लॉज कैन बी अलाउड। अभी आपको समझ में ये आर्टिकल 20 क्लॉज 1 आ जाना चाहिए। आई विल बी पोस्टिंग 4 to 5 क्वेश्चन डे आफ्टर टुमारो। डू अटेम्प्ट दोस क्वेश्चन सो दैट यू कैन मेक योर प्रिपरेशन मोर कॉम्प्रिहेंसिवली। इन पार्ट 2 ऑफ आर्टिकल 20 आई विल बी कवरिंग आर्टिकल 20 क्लॉज 2, आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3, देन इट्स along with its source of origin, then some of the important case laws like Venkat Raman versus Union of India case, A. Mulla case, M.P. Sharma versus Satish Chandra case. In the meanwhile, you will be getting 4 to 5 question day after tomorrow. Please do attempt this question. And if you don't want to miss any important upload, do watch, share and subscribe. Happy learning. Take care.